जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? हालांकि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ये हमारा डेली हार्ट चैलेंज का ब्लॉग नंबर 130। तो बिना किसी देखे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम जस्ट अभी जा रहे हैं चीकू का मोबाइल सुधरवाने के लिए। शायद ये बोल रहा है कि कनाडिया चलते हैं, तो हम अभी निकल चुके हैं कनाडिया के लिए। तो काम से जा रहे हैं कनाडिया मोबाइल बात सुधरवाएंगे। तो पहले चलते कनाडिया। अभी जस्ट हम प्रत्युम को छोड़ा है, अभी नाश्ता वास्ता करा था उसका, कई ब्लॉग ब्लॉग बनाया नहीं हमने। डायरेक्ट मैंने सोचा डायरेक्ट गाड़ी पेटेंगे उसके आते लोग चालू करें। बच गए बेटा, बुलेट कट मार दी थी बुलेट में, बात अलग है चीकू जी के हमारे। तो भाई चलिए चलते हैं कनाडिया। क्या नू रोए ते जागे ना सोए ते काम मिले रहे ते अब तारी रे हरी रे हरी रे। भाई सब मतलब मेन रोड पे आए थे हाईवे पे और भाई का चश्मा गिर गया और ये वापस ले जाएगा सारा ढील। वही बच गया बेटा, टूट तो जाता हूँ तो अंदर करके फंसा के पहनना उसको जरा। कोई पगलिया है यार, जरा से कहीं जा ना, मेरा देख कितना टाइट है साला, निकले भी नहीं तब तो उधर भी नहीं होता। ताउम्र यहाँ थार्ट होगा गई गाइस, इस वन प्लेस इस थार्ट होगा गई ये जगह, इसके पीछे थार लगी हुई है, थार्ट होगा गई है। इधर जरा आराम चलाएं, सावधानी चले या गाड़ियाँ जरा, नई नई गाड़ियाँ ठुका रही है। क्या 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 कह रहा कल लड़ा रहा तुम, जरा समझना चाहिए। क्या क्या 3900 देख ली तूने? अलग ही मजे मजे। अरे भाई वो गाड़ी के लाएंगे, अरे बता तूने भेजी थी मेरे को, एक बार बताई थी तूने। चलो भाई चलते हैं। पचास का खत्म हो गया और यहाँ के रोल। तो गाइस अभी हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, ठोकते ही आए रहे अपन, ठोकते ही आए थे, दूर आए हो भैया को लगा, बोला कोई काम नहीं वापस चल जाओ, पेट्रोल डलवाने आए 10 किलोमीटर। पचास का पेट्रोल जला के माइनर पॉइंट कुछ पैसों के कारण यहाँ तक आए हैं। कृपया जीरो देखिए, जीरो देखने कारण लूटे जाइए। तो बहुत लूटा मारी होती है इंदौर में यार, मेरी गाड़ी साला 50 का एवरेज देती थी, 20 का एवरेज देने लगे, पेट्रोल ही नहीं आ रहा। नाइस बढ़िया, तो चलो पेट्रोल डलवा लेते हैं और रिटर्न हो जाते हैं अपने घर की साइड। इस कनाडिया से वापस आ चुके हैं, 50 का पेट्रोल गवा के 250 का पेट्रोल लगवा के, 50 का पेट्रोल गवा दिया, 250 का पेट्रोल लगा दिया और रिटर्न हो गए हैं हम कनाडिया से, अपनी डेस्टिनेशन मतलब वापस जा रहे हैं। पहले लगा देता भैया को बोलना था, इतनी देर तक हम यहाँ ठीला ही बने तो नहीं करते, 50 का पेट्रोल चलेगा हमारा 60 रुपए का, गलत बात है। तो स्माइल तो गाइस गजब के, ये जो बात है R2H वालों जैसी बात। अभी हम निकल चुके हैं, अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। चीकू जी हमको लेकर के शायद इसका मोबाइल सुधरवाना है, तो मोबाइल सुधरवा लेते हैं फिर समझते हैं। A few moments later. अरे तो नोवेल्टी है ना गाइस, तो गाइस हम आ चुके हैं नोवेल्टी, सीधा अंदर रहता है दुकान में भी पूछे ना क्या चलते हैं दुकान में कोई रखना चाहिए यार, यार मत रहता है मार्केट ये नोवेल्टी मार्केट बंद रहता है ना, जितना भी रहता है नॉर्मल लोग भी सही रहते हैं। चलो चलो घर और क्या, चलना इधर चलते चलते इधर चल। राधे राधे है ना, राधे राधे अपन ने गाते गए, राधे राधे भी मिला तो हमारा फोन इस बार सुधर ही जाएगा, पूरा खोला खाली हो जाएगा भैया। कैमरे का वो सेंसर आजकल मेरे चश्मा उतार लेना तेरा, इसका इलाज है क्या भाई? कुछ भी नहीं, कैमरे का कुछ कोई इलाज देख दो बस, कैमरे चेंज होते हैं उसमें, तो लेंस क्या हिल जाता है, इसको ठोको तो नहीं हिल जाता है। आधा घंटा लगे सर मोबाइल को,
इधर होने के बाद में अपन आईफोन ढूंढने चले, मिनी एकदम टुक्का कह रहा था 4000 का। मेरे भाई के लिए लेंगे यार 6000 का, मेरे भाई के लिए लेना पड़ेगा। तो मेरे भाई को चलाना कहीं भी नहीं, वो रखता कहीं भी नहीं है। उसके लिए आईफोन लेके आईफोन लेंगे। रुक जाओ, इस महीने जरा 10000 कर लें दे कपड़े के लिए, उसके आगे उसके लिए ले लेंगे आईफोन। अरे हाँ, पैसे बच जाएंगे ना, चलेंगे ना वाली लेना ही है। आप ये समझ जिम के लिए ना चले यार, वो जो पैसे मारते ना तो दिखते नहीं यार। चले क्या जब तक तेरा मोबाइल तो हो जाए, कॉलम खाली तेरे मोबाइल की। तो भाई हमने इसका मोबाइल रिपेयर करवा लिया है, जैसे कि है चिट्टी बिट्टी लगी हुई पूरी है, चक पक करवा लिया है मोबाइल। बता रहे तो 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 बताना पड़ेगा ना भाई, इसके अपन ने ऐसा ऐसा करवाया, जब जाके लोगों ने विश्वास करेंगे। अगर ढिलवाई पड़े कर क्या करूँ, दूसरी डेस्टिनेशन हम कहाँ जा रहे हैं, फिलहाल निकलते हैं। हम नोवेल्टी से निकल चुके हैं, नोवेल्टी में डायरेक्ट अपन ने वीडियो को चालू कर दिया था। सॉरी, बताया नहीं कि कहाँ जा रहे थे, कि थोड़ा टेंशन था यार, इसका मोबाइल ख़राब हो गया था, तो फटाफट देखना आराम से देखना। और फटाफट हम यहाँ से निकल चुके हैं, बहुत छोटे पने होते हैं यहाँ पर। अभी जस्ट हमने गाइस मिनी कूपर देखी, बहुत दिनों के बाद मतलब मिनी कूपर देखी मैंने, बहुत समय हो गया था मिनी कूपर देखे हुए। बजा ले कान बजा ले मेरे जोर जोर से, चूके साले टेम्पो वाले ऐसा चूके नहीं बोल सकते उनको, बाकी कान में नहीं बजाना चाहिए यार, माफ़ी मांग लेता हूँ मैं। कोई बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ ले जा रहा है चिक्कू हमको। अगर घर ले जाएगा तो घर चल लेंगे, तो फिर देखते हैं। A few moments later. Guys. ये चूतिया ने सोचा है कि हम मेरे को घर छोड़ दे, बताओ कैसा दोस्त है, अकेला घूमने जा रहा है। अरे जान दो यार, अरे जा भाई, क्या बंदी के साथ, क्या बंदी क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, क्या बोल रहा, सही है क्या बोल रहा है, बंदी क्या बोल रहा, कहीं बोला बंदी के साथ, चूतिया बनाता है ये, अकेले घूमने को ना साले, उनको दोस्त जाए साले भाड़ों में। तो ये जा रहा घूमने और मैं जा रहा हूँ घूम, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम है, मेरे को जाना पड़ेगा गाइस। तो अपन चलते हैं फटाफट रूम पे, थोड़ा काम है, काम यस दिखा मेरे को, नहीं रेंद बाद में देना, काम मेरा कभी रख, उधार तो लेना है। छोड़ो चलो चलते हैं रूम गाइस। क्या A few moments later. तो गाइस हम आ चुके हैं रूम पर वापस। मतलब अपनी फोटो सबसे पहले डाल रहे हो, ये गलती। चूतिया हूँ मैं, चूतिया कैसा हंस रहा हूँ, इसको देखो घूमने जा रहा है। मैंने बोला था तुमको मेरे कपड़े पहन के घूमने जा रहा, मेरी टी शर्ट मेरा ये भाई, अगर लोग देख लिया ना तो बहुत मजा आ जाएगा। पता है फेवरेट है टी शर्ट, इसको मैं निपटा देता उस दिन, पर मैंने सोचा यार खराब हो गई तो बिल में तू तो ही नहीं है, जैसा मैं देता पूरी ना दूसरी पेन जगह की। परफेक्ट लगती है, अच्छी लग रही है। ये रख दिया भाई इधर, फुटला सा ये रखा ना, दिस इज मोबाइल, इसका मोबाइल अभी हम सही करवा के लाइए। टेप ही टेप दिख रही है, मेरे को भी अच्छा बन के जाना पड़ेगा वहां, तो भैया से मिलने जाऊंगा। भैया तू उधर से आए तो वो लेके आना खाना, नहीं खाना नहीं, वो क्या बोलते हैं यार, नारियल। तो गाइज हम आ चुके हैं अनिल के रूम पे। तो गाइज हमारा आकाश जी बहुत पढ़ाइया पढ़ रहे हैं यहाँ पर, SSC CGL की तैयारी करते हुए। मेरे भाई फोड़ देगा साला एक दिन, और मैं थोड़ा रोटी भोजन वोजन कर लेते हैं थोड़ा सा, एक आध दो रोटी रखी थी मैंने भूख कर जैसे तो खा लिया था मैंने, बाकी रखी थी तो मैंने खा लिया, तो मैंने यार ये वेस्ट हो जाएगी तो खा लेते हैं। वेस्ट नहीं होना चाहिए कोई चीज़, और तो गई भी नहीं है,
खाते पीते हैं थोड़ा बहुत खा ले यार, थोड़ा सा भूख लग रही थी मेरे को, मैं थोड़ा खा लेता हूँ, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। गाइस मैंने जस्ट अभी खाना वाना खाया और हम सोफा अंदर ले जाने आए, तो आकाश ने बोला पड़े वड़े थोड़ा छोड़ देते, पहले काम कर लेते हैं। तो मैंने उसको समझाया, मैंने पड़े ही पहले, पर नहीं हमको पड़े ही थोड़ी करना है, हम काम करेंगे पहले। पर ठीक है यार, अब उसका घर है तो संभालना तो पड़ेगा, अपन क्या, अपन तो मेहमान है, घूमो फिरो बैठो, एक काम है अपना, मेहमान काम करते हैं क्या, अपन देखो ब्लॉग बना रहे, वो काम कर रहा है। तो गाइस थोड़ी ज़्यादा भूख लगने के कारण सोफा वोफा तो अपन ने अंदर कर दिया, बाकी से ऊपर मत ले आए हमने 20 के। आ जाओ आकाश जी, भूख लग रही यार, थोड़ी हद से ज़्यादा ही भूख लग रही है। चला खाओ, जैसा मन करता चारा ही करूँ, बेसन की सब्जी अच्छी बनी थी यार। तब थोड़ा से ऊपर वेपर खा लेते हैं यार गाइस, थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में लोग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज अभी जस्ट हमने कंकर आ गया भाई, ऐसा लग रहा है। तो अभी हमने जस्ट सेव परमल खाए और मैं जस्ट इधर बैठा हूँ, चार्जिंग में मोबाइल लगा रखा है मैंने यहाँ पर ये, और अपने आकाश जी वापस पढ़े में बैठ चुके हैं क्योंकि उनको SSC सीरियल क्रैक करना है। हंस रहा है, हंसी देख रहे हो उसकी, क्रैक करेगा अभी, एक साल हो रहे अभी भाई तेरी, 15 मार्च के बाद में भी एग्जाम चालू होगी तेरे से, की थर्ड ईयर की कहा था न्यूज में, देखा मैंने, देखा मेरे को पता था रे, और लेट भी हो सकती है, और लेट होगी वो देखना, हमारी तो होगी नहीं, हमारी तो सेकेंड ईयर, मतलब एक साल रूप है मेरा, आचार संहिता है ना, आचार संहिता के बाद में होगी एग्जाम। हाँ आचार संहिता अप्रैल में लगेगी, अप्रैल में लगेगी तुम्हारी, मार्च में हमारी, हमारे इसमें दिक्कत आ गई, हमारी तो मई जून में होगी पेपर। अच्छा साला मई जून में हो तो एक महीने की छुट्टी, मार्च में फिर भी खत्म नहीं होगी हमारी, क्या एग्जाम नहीं, एक दिन की गैप मिलेगी, 15 तारीख से शुरू होगी तो एक एक दिन की छुट्टी बीच में, मार्च में खत्म 45 बोल रहे हैं कि कितने पेपर हो तुम्हारे, 9, तुम्हारे 9 होते, बाकी सबके मिला के कितने होंगे, मतलब 45 दिन तक चलेगी एग्जाम तुम्हारी, 1.5 महीना तुम्हारी नहीं, तेरी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। मतलब सबकी टोटल जितने से थर्ड ईयर वाले ना, हाँ। टोटल मिला के BA BSc BCOM वालों की हमारी खत्म हो जाएगी, तब में 45 दिन में खत्म पूरी, अडवा दोगे तुम्हारे को, अभी आया था न्यू, मैंने देखा ना, तो बोल रहा हूँ हाँ देना तो चाहिए आप, थर्ड ईयर यार, थर्ड ईयर क्या है, MBA करेगा नहीं करेगा, कहीं नहीं, DEd BEd ये तो बात है, DEd BEd करो करो, टीचर बनो टीचर। A few moments later, अब मुझे आ रही है नींद, और आकाश भी लेटने वाला है, बोलो बस मेरी पड़ी हो गई है, जस्ट अब हम दोनों को नींद आ रही है तो अब सो रहे हैं। अब इस लोक को हम 4 बज गए, अब इस लोक को हम यहीं पर एंड कर देते हैं, थोड़ा सा लग रहा है अच्छी भी बहुत वो हो रही है, तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट लोक में, जब तक के लिए जय श्री राम।